मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना और आप देख रहे हैं ब्यूटी इन सिंपलिसिटी। तो सुबह का काम एज यूजुअल स्टार्ट हो गया और अभी मैं इतने सारे मलबर स्पिनच लेके आई हूँ छत से, और बैल्कनी में दो चार था उसको भी ले लिया। तो आज तो यही बनने वाला है लंच में, और इसके साथ देखते हैं फिश या मटन कुछ भी बना लेंगे। ये देखिए आज का हेडलाइंस, देखते हैं कब आएगा। इसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आ जाएगा कल आएगा। ये दोनों एक दूसरे को उंगली करने में लगी हुई है, लगी हुई है। देखो इनका खाना धोना भी हो गया, देखो मुंह देखो कितना गंदा दिख रहा है। ये देखो इतनी गर्मी में और कुछ नहीं कर पाया, तो आज संडे में बच्चों को दे दिया दूध। यहाँ पे है भिंडी का सब्जी और इसमें है रोटी बना दिया। क्या है रोटी, रोटी सब्जी दूध और अंडा तो रहता ही है। ये है अभी का ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए। दो साबुत लाल मिर्च और 5 फोरन, वन टीस्पून करीब 5 फोरन। पांच फोरन भी छोटे हो गया। आप ये चचड़ी के लिए जितना भी सब्जी रखे थे ना सारे ले लेंगे। नमक और हल्दी देंगे, दो मिनट इसे होने देंगे। सॉरी। उसके बाद ये जो थाक मैं काट के अच्छे से धो के रखी हूँ इसको भी ऐड करेंगे, और उसके साथ ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड सरसों और थोड़ा सा अदरक, करीब 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैंने ऐसे पेस्ट कर लिया, और इसमें और कुछ नहीं डालना है। साग ऐड करेंगे, साग थोड़ा सा जब कम हो जाएगा
ये तब मैं ये और मतलब ये पेस्ट और ये मिर्ची ऐड करूंगी और स्वाद अनुसार नमक, चीनी और थोड़ा सा जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून करें जीरा पाउडर ऐड करूंगी और कोई भी पानी इसमें नहीं जाएगा। तो ये बंगाली रेसिपी है पुशा के चौचौड़ी, तो रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप फिश एग भी डाल सकते हो, छोटा छोटा प्रॉन भी आप डाल सकते हो, वो भी उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। सॉरी मुझे खांसी हो रही है, इसका जो छौंका लगा है ना वो लाल मिर्च, जैसे ही उसका तीखापन बाहर आया तो मुझे खांसी हो रही है। और इसके साथ ही बनाएंगे यहाँ पे ये कतला है, कतला माछ। इस मछली का बनाऊंगी झोल, आलू, झींगा तोरी, परवल, ये सब दे के झोल बनाऊंगी। पहले मैं सोचा था कि सिर्फ अदरक और जीरा पेस्ट से एकदम लाइट झोल बनाऊंगी, लेकिन आदित्य तो खाएगा नहीं ना, तो फिर उसके लिए दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा। तो उस तो मैंने उस तरीके सा झोल नहीं बना रही हूँ, मैं उसमें प्याज अदरक लहसुन डाल के झोल बना रही हूँ। इसको पहचानते हैं, है गंदराज नींबू। ये वेस्ट बंगाल में बहुत सारा मिलता है, यहाँ पे दिल्ली में सीआर पार्क में मिलता है। एक एक नींबू 50 रुपीस का लेता है, बट ये मेरा खरीदा हुआ नींबू नहीं है, सीआर पार्क गए ही नहीं। ये है कुछ दिन पहले मैं मेरे फ्लैट के पीछे की तरफ से आ रही थी, कभी जाती नहीं पीछे की तरफ, तो आ रही थी तो पार्क में मेरे ठीक घर के नीचे इसका पेड़ है और इसमें 2 नींबू था, अभी भी शायद 1 होगा। तो वो छोटा सा था, इतना साइज का था, और ये तो पूरा मैच्योर था, इसको मैंने ले आया इस पार्क से। उसका कटिंग ही लगानी है, बारिश नहीं हो रही है तो कटिंग कैसे लगा है। आज तो इसी से ही खाएंगे राइस। इसका स्मेल इतना अच्छा है ना, इससे जो चिकन बनता है वो भी काफ़ी टेस्टी होता है, वो भी एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी इस नींबू से। आज तो पता नहीं, मेरे डिपार्टमेंट तो बोला है सुबह से तो इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है कि पूछिए। रिया और आदित्य वहाँ पे बैठे थे तो मैंने बोला कि कल रात को ही कपड़े धो के लगा सुखाने दिया था, क्योंकि दिन के टाइम धूप भी ज़्यादा होता है तो इसलिए रात को ही धो के सुखाने देती हूँ और सुबह उसे उठा लेती हूँ। तो रिया टू श्रिया का तो काम चल रहा है इंटर्नशिप, तो टू आदित्य भी वहीं पे बैठा था तो मैंने बोला कि रिया प्लीज़ थोड़ा सा वो उठा दोगे, क्योंकि आदित्य कुछ करता नहीं, वो गुस्सा हो जाता है उसे कोई भी काम बोलो तो इसलिए मैं बोलती भी नहीं उसे ज़्यादा। मैं रिया को ही बोला कि रिया इतनी ज़्यादा धूप है ना, सारे कपड़े राख हो गया, प्लीज उठा दो। तो उसने आदित्य को बोला जा राख ले आ। तो वो भी आदित्य भी नहीं ले आया, रिया भी नहीं ले आया। फाइनली मैं जाके जब पानी देने गई तब पहले कपड़े उठा रही थी तो मेरे हस्बैंड फोन हो गया, बोला मैं पानी दे देती हूँ, पीछे का सामने का तो मैं दे ही रही थी। तो उन्होंने बोला कि पीछे का मैं देती हूँ, आधा देता है आधा नहीं देता है, आधा सूखा पड़ा रहता है, वो पानी देने से यही होता है पीछे वाले, तो दे दिया, मेरा भी काम आसान हो गया। कितना फूल मिला देखा, उधर भी है मोगरा मोगरा नहीं लगे, रोनू को नहीं लगे,
नहीं वो थोड़ा खुशबू आता रहता है वहाँ पे, क्या होगा। यहाँ पे है आमी चटनी, आम की चटनी, मीठी चटनी।